अभी हमें ट्रेन के टॉयलेट में खाओ माँ कसम। सबसे ज्यादा ना इसको मिस करूंगा। इधर एक गली है, वो ना गली ना रखे तालाब बन गया। एक करता है पुई पुई पुई। तू समझा? चाय टेस्ट करके बताते हैं बढ़िया है या नहीं है। मैं भी यार टॉयलेट में रह के बातें कर रहा हूँ, गंदा हूँ मैं। हेलो जी, राम राम जी। हेलो जी, राम राम जी। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बड़े हो। तो आज हम जा रहे हैं भाई गुजरात। नहीं गुजरात, वेट वेट वेट, गुजरात बाय ट्रेन। समझ गया, मैं जा रहा हूँ। दीदी जा रही है, ये नहीं दीदी जा रही है, मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं। इसको नहीं लेके जा रहे हैं, ये ट्वेल्थ में तो इसके पेपर टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए, तो इसको नहीं लेके जा रहे। कोई नहीं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। देख तो पीरक दी रोना तेरा सट दे, समझ रही है? इन मार बो खेवे मतलब। देख ये आई और यहां रख दे तेरे। पता है वो एक दो तीन चार पांच। रेडी रेडी ना? चलो तो चलो 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 चलो। बाय। इधर भी ऑटो में, रात को भी ऑटो में। हाँ, तो गाइस रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। मेन रेलवे स्टेशन हमारा उधर है, ये सेकंड प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी गाड़ी सेकंड प्लेटफॉर्म पे आएगी। गाड़ी का मतलब ट्रेन। अभी टाइम है समथिंग 1 आवर है अभी हमारे पास। और एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, इधर एक गली है, वो ना गली ना रह के तालाब बन गया। ये देखो, ये सामने गली दिख रही है आपको, ये पूरा तालाब बन गया। देखो पानी पानी। तेरे को पता ये डस्टबिन है, ये तेरे लिए है। डस्टबिन में कचरा डालते हैं, तो मैं सोचा फिर डेवलप तो हो रहा है भाई, हमारा नीम का डेवलप तो हो रहा है, और इस बात की हमें खुशी है। बट यहाँ पर गलत चीजें भी बहुत सारी हो रही है। कपल बैठे हैं उधर से यार, मतलब ऐसे थोड़ी है। देखो इतना होना चाहिए, घर वालों को बता देना चाहिए ऐसा ऐसा सीन है, फिर अलाउ करे तो बढ़िया है। फिर इन फ्यूचर जाके दुख हो पीड़ा हो, उससे अच्छा तो यही है, सही है ना? तो भी बता दे। तो मैं तो बता ही दिया, एक पापा को ही तो नहीं बताई मैंने। पापा को बता देंगे कि हाँ ये है ये नहीं है, ब्लॉग देख के पता चल ही जाएगा पापा को। कोई नहीं है पापा, ये तो ऐसे बोल रही है, पिटवाएगी मेरे को। वैसे यार मैं बताना भूल गया, गुजरात क्यों जा रहे हैं? गुजरात क्यों जा रहे हैं? किसकी शादी है? वर्षा को पहचान गए होगे, नहीं पहचाने तो मेरा चिंटू भैया वाला, वो चिंटू भैया वाली शादी वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें पता चल जाएगा वर्षा कौन है। तो उसकी शादी है, तो उसकी शादी में जाना तो बनता है, क्योंकि वो हमारी बहन है। और उसकी शादी में नहीं गए तो वो टांडा मचा देगी। और वो सबसे प्यारी है, वो भोली है थोड़ी, ऐसे लगता है लोगों को, बट है नहीं वो, है नहीं वो। तो फाइनली हम बहुत मेहनत करके पता है कहाँ आ गए, नीम का थाना वाले बोर्ड के पास आ गए। Wait a minute. Who are you? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? गाइस है ना, मैं तो नीम का थाना का बोर्ड दिखाने आया था, बट मेरे को पता नहीं था उधर पीछे ना एक अंकल। वैसे ना आज इसको बुलाया, बर्तन वर्तन मांजती है ना तो यार मेरी बहन इसको बुरा बुरा नहीं बोल सकता, ये मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरे को खर्चा पानी देती है, रुपए रुपए ही करती है, फोन पे इमरजेंसी में ये कितना ही कुछ कर ले, फिर भी मैं मांगता हूँ ना, मैं गुस्सा दिला दूँ वो भी कर दूँ, फिर मेरे को रुपए कर ही देती है। मेरी प्यारी बहन है ना, इमोशनली वो हो जाता है, मैं नहीं होता, मेरे पास होते ही नहीं है रुपए, तो कहाँ से होऊंगा मैं, और मैं कहाँ से करूँगा इमोशनली। ये तो मेरी बहन है, आज इमरजेंसी में फंस गया। रौनक से लिए हैं मैंने, यही सबसे लिए मैंने, पर्टिकुलर एक से नहीं लिए, सबसे लिया मैंने। अब नहीं इधर ना, इधर क्या हुआ, इधर ना आसपास लोग देख रहे हैं बहुत ऐसे कि ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गएगा, क्योंकि हमारे इधर है ना ब्लॉगिंग व्लॉगिंग बहुत कम बंद करते हैं। नीम का था नाम 2 से 3 बंद होंगे, जो भी मेरे अभी 2 या 3 तो मेरे कॉन्टेक्ट में, और मेरे को पता नहीं है। रील तो बहुत बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, फॉलो वो कर लिया इंस्टाग्राम पे जाके, आरोप ब्लॉग्स करके आईडी हमारी। लव यू है नीम का थाना वालों, थान ऐसे ऐसे वो एक करता है पुई 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 पुई। ट्रोल नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट चिल वाले मजाक में, मजाक के में बोल रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना कोई। पी पी ऐसे कर करके तो लड़कियां जैसे पी कैसे करते हैं पी। ब्लैक ब्लैक व्हाइट ब्राउन 1 2
ट्रेन आ चुकी है, वो आपका इंतजार नहीं करेगी। अब ट्रेन हमारा इंतजार करेगी जब तक हम नहीं बैठेंगे, रुकेगी है। तो फाइनल आ चुके हैं ट्रेन में, एक ऊपर वाली है, 21/22 हमारी है, और एक है S2 में, हम S4 में, एक S2 में है। रिंगस जंक्शन, खाटू नगरी आ चुके हम, इधर भाई भीड़ मिलेगी, भीड़ देख रहे हैं, तगड़ी भीड़ है। अब देख लो कवर कैसा है, बताना कमेंट में। ट्रेन ने पहला नाश्ता बिस्किट के साथ, अब ले रहे हैं नमकीन, ये प्लेट दी हमें 20 रुपए की, इतनी सी 20 की। इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा है खाते हैं। टेस्ट ऑफ मनी कैसी है, बढ़िया नहीं है, मत लेना। ये पूरी हुई नहीं, चाय आ गई, और देना भैया चाय, टेस्ट करके बताते हैं बढ़िया है या नहीं है। चाय भी बढ़िया नहीं है, रही नहीं पचास, इसमें चाय की पत्ती ज्यादा है और मीठा कम है, और हमें पानी ज्यादा है। मोदी सरकार सो है कि चल जी, चाय भी है कि मोदी सरकार तो बढ़िया है बट चाय बढ़िया नहीं है। फोटो भी उसी को देखे हैं, वोट भी तो दिया, वोट तो दे रहा है ना, लेकिन अभी तो सरकार चलेगी। ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसे, ट्राई करते हैं, निकले अच्छे अच्छे, ये तो अच्छी होंगे ना। रियल रिव्यू मैं ही बता सकता हूँ, ये बढ़िया है। अजमेर जंक्शन बहुत बड़ा है वैसे, ये नीम का तना का तो इतना सा है रेलवे स्टेशन, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें तो लिफ्ट भी है। हमारे वाले पे नहीं है, हमारे वाले पे पैदल आओ पैदल चढ़ो। मेरे को ना वैसे डर भर लगता है भाई, कोई फोन वोन ना ले जाए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो देखी है मैंने जिसमें फोन वोन छीन लेते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगा लगता है मेरे को, कोई फोन ले गया ना तो घर वाले दूसरा दिलाएंगे भी नहीं। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ दिला दोगे कोई ले गया तो, दिला दोगे तो फोन रखता है, दिला दोगे अगर ये फोन चोरी हो जाता है, दिला दोगे देख ले घर से बाहर निकाल देंगे। उससे पहले खाना खाया मैंने रेलवे में, वो खाना तो बहुत बढ़िया था, इसलिए पैसे बोलूंगा नहीं, बट जो मैंने चाय वाय पी वो बिल्कुल बढ़िया नहीं थी, चाय बढ़िया नहीं है बट क्या करें, पीना पड़ेगा, तो इसके बिना मन नहीं लगता, तो पीनी पड़ती है। हमारे केबिन में 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर है, अंकल भी हमारे साथ घुल मिल चुके हैं, और मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। जामुन टेस्ट है तो मोटे मोटे, अब बताइए। अभी हम आ चुके हैं रेलवे सुरक्षा बल फालना, और इसका क्या हो मतलब फेंक क्या गिरना है, ओके फ्लैक आगे मार रहा हूँ पीना तो फलाना हो जाता। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि आज आपको प्रॉपर बताऊंगी ट्रेन में कैसे क्या है कैसे नहीं है, तो अभी हम है ट्रेन के टॉयलेट में, और टॉयलेट भाई पड़ी है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि गंदा है, साफ है, और इतना भी साफ नहीं है बट काम चलाऊ है। गंदगी एक जगह बस इसमें यहाँ पे, और बाकी का इधर बढ़िया वॉशलेशन दिया है, डस्टबिन दिया है, ये भी क्लीन है, सब कुछ बढ़िया है। मैं भी यार टॉयलेट में रह के बातें कर रहा हूँ, गंदा हूँ मैं, बाहर जाके बातें करता हूँ आपसे, आ जाओ। हेलो हेलो, रौनक नहीं आई यार, उसके बिना मजे नहीं आ रहे। वैसे अभी हम रुके हैं आबू रोड, यानी माउंट आबू सुना होगा नाम, तो उसी के रेलवे स्टेशन पे रुके हैं। इधर भी घूमने के लायक बहुत बढ़िया जगह है, कभी आएंगे घूमेंगे फिरेंगे। वैसे अभी पापा सब्जी लाने गए हैं, क्योंकि इधर 10 से 15 मिनट ट्रेन रुकेगी, उसके बाद में कुछ खाएंगे पियेंगे। वैसे हम पैक करवा के लेके आए घर से, बाहर का खाना हम खाते वाते कम है, घर से लेके आए पराठे अचार और बाहर से लिया दही। टाइम हो रहा है 11:42 और अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है साबरमती बीच जी, और 11:42 यानी 11:36 से
12:23 यानी 40 मिनट ट्रेन इधर ही रहेगी और यहाँ से हमें जाना है अहमदाबाद जंक्शन जो कि यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर है यानी 12:23 पे चलेगी 12:35 पे पहुंच जाएंगे। क्या सीन है, पहले पहुंचा देती 40 मिनट इधर रुक जाती, क्या जा रहा था, बट नहीं इधर रुकना था इसको। करो बुद्धिलाल अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे ना उतर के हम उतर गए भाई साबरमती बीच, यहाँ से मूसा जी घर शॉर्ट पड़ेंगे और हमारी ट्रेन रुक भी रही 40 मिनट। फाइनली राजस्थानी गुजरात में आ गए घर पे। लास्ट टाइम भैया की शादी में ब्लॉग बनाया था, भैया की शादी का नेक्स्ट शादी इसी बाबू की है। नमस्ते वासी। नमस्ते भाभी जी, कैसे हो? बढ़िया हूँ। शादी दिखाएंगे, अभी तो सोता हुआ इंसान दिखा सकता हूँ मैं। ओ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मजे से एंजॉय करो, बाय बाय।